छिंदवाड़ा में पूर्व जनपद सदस्य ने एक बच्चे की देखभाल और परवरिश को लेकर उनको फंसाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुछ रेत माफियाओं और विरोधियों ने बच्चे के पिता और बच्चे को डरा धमकाकर उनके खिलाफ भड़काया है, जबकि वे बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। परासिया के चरई ग्राम पंचायत के पूर्व जनपद सदस्य सुरेश यदुवंशी ने उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चंदन यादव नाम के बच्चे के देखभाल की जवाबदारी उन्हीं के ऊपर है। दरअसल 2 वर्ष पूर्व चंदन की मां की मृत्यु पर संबल योजना के तहत उनके पिता महाचंद को 2 लाख रुपए मिले थे, जिसको बच्चे के पिता द्वारा दारू में उड़ाया जा रहा था, जिसमें से 50,000 की FD बच्चे के नाम पर कराई गई थी। यदुवंशी ने बताया कि उनके खेत से रेत माफिया रोजाना परिवहन करते हैं, जिसमें फर्जी नाम से नौकरी करने वाले लोग भी शामिल हैं, जिसकी शिकायत करने पर उनसे बदला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे चंदन को अपने बच्चे जैसा ही रखते हैं। बच्चे के पिता को बहला फुसला कर मेरे खिलाफ शिकायत कराई जा रही है, जबकि शिकायतकर्ता खुद कई बरसों तक उनकी जमीन में निवासरत रहा है। उनका कहना है कि बच्चे को डरा धमका कर उल्टी सीधी शिकायत करवाई गई है। शनिवार के दिन 4 दिन पहले तो कुछ रेत माफिया और कुछ WCL के द्वारा गलत फर्जी नाम पे ड्यूटी करने वाले की कुछ शिकायत की है था मैंने। इसके द्वारा बच्चे के द्वारा मुझे फंसाने का षड्यंत्र रचा गया ना। मैंने ऐसा कोई बच्चे उनने बच्चे को वहाँ दिए बुलवाया कि गाय भैंस चराता था। मैंने पूरा बकायदा उसको स्कूल पढ़ाई, स्कूल में उसकी पूरी हाजिरी दर्ज है। पंचायत वाले ने सरपंच कुटवार गाँव के मुकदम गाँव के मुखिया ने कहे, तब मैंने उसको 2 साल से रखा। उसके बाद भी 2 साल रखने के बाद मैंने बच्चे को पढ़ाया लिखा और अपने घर के बेटे जैसे रखा। उसके बाद ही मैंने मेरे अपने बेटा के लिए पॉलिसी निकलता, लेकिन मैंने वो गरीब का बेटा करके इसलिए मैंने 50,000 की पॉलिसी की। पॉलिसी मेरे पास रखी है, पूरा दस्तावेज मेरे पास रखे है। अगर जांच करने के बाद मैं झूठा कर पाया जाऊँगा तो मेरे पे आप कार्रवाई करवा देना, लेकिन इसकी सही जाँच होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी, जो षड्यंत्र के द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।